मानवता के पुजारी की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प शक्ति भी। जीत महात्मा गांधी की हुई, हमने देश की आज़ादी का ये स्वरूप देखा। सच पूछा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने देश के विकास के लिए सपना देखा था, अब बारी है उसे साकार रूप देने के लिए। और मैं कहूँगी कि जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया, तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया। और दर्शकों, फिलहाल वक्त है आपको दिखाने का एक सॉफ्ट स्टोरी, जिसमें हम आपको बताएंगे उनके जीवन के विभिन्न घटनाक्रमों और साथ ही उनके मूल्यों और आदर्शों के बारे में भी। आइए देखते हैं एक सॉफ्ट स्टोरी, महात्मा गांधी संस्मरण। हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नायक, भारत ही नहीं पूरे विश्व के प्रेरणा स्रोत, जिसने अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांतों से न केवल अपने देश को स्वतंत्रता दिलाई बल्कि सामाजिक न्याय और मानवता के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। दुबली पतली काया पर खादी की धोती और हाथ में लाठी, जितनी सरल छवि उतना ही प्रभावशाली व्यक्ति, कुछ ऐसे थे हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। वास्तव में गांधी जी युग पुरुष थे, जिसने पूरे विश्व को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया और एक नई राह दिखाई। गांधी जी सादा जीवन और उच्च विचार के समर्थक और स्वावलंबन में विश्वास रखते थे। वह आत्मनिर्भरता को सफलता का मूल मंत्र मानते थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य, संयम, संकल्प, सत्याग्रह, अहिंसा और अनुशासन के सहारे बड़े बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया। उन्होंने भारत के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए स्वदेशी वस्तुओं और चरखा को अपने जीवन का हिस्सा बनाया। महात्मा गांधी अतीत के महानायक ही नहीं बल्कि वे हमारे आज के मार्गदर्शक भी हैं। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ। उनका परिवार एक सामान्य कारोबारी परिवार था। गांधी जी की शिक्षा प्रारंभिक स्तर पर पोरबंदर में हुई और बाद में वे इंग्लैंड गए, जहां उन्होंने कानून की पढ़ाई की और वहीं वकालत करने लगे। इंग्लैंड में रहकर उन्होंने पश्चिमी संस्कृति, विचारधारा और शिक्षा का अनुभव किया, जो उनके जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। दुनिया के अलग अलग हिस्सों में हुए कटु अनुभव से दृढ़ संकल्पित होकर महात्मा गांधी 1901 में भारत लौटे और देश को आज़ाद कराने के प्रयासों में लग गए। उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय रूप से भाग लिया और किसानों और मजदूरों के अधिकारों के लिए बिहार के चंपारण आए। यहाँ उन्होंने नील खेतिहर मजदूरों को ब्रिटिश शासन के चुंगल से मुक्ति दिलाई। बिहार में ही मोहनदास करमचंद गांधी को गांधी की उपाधि मिली और वे महात्मा गांधी बन गए। गांधी जी के नेतृत्व में 1 अगस्त 1920 से शुरू हुआ असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार की जड़ें हिला दी। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाला यह पहला आंदोलन था, जिसके बाद 12 अगस्त 1930 को साबरमती से अपने 78 सहयोगियों के साथ गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की। 240 मील की लंबी यात्रा में हजारों लोग शामिल होते गए और दांडी पहुंचकर गांधी जी ने नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजों के सामने एक बड़ी चुनौती पेश की। गांधी जी के नेतृत्व में सबसे बड़ा आंदोलन था 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार के पांव भारतीय जमीन से उखाड़ने का काम किया। गांधी जी के आवाहन पर विशाल भारतीय जनमानस इस आंदोलन से जुड़ गए। In respect to God, need not be surprised
इफ आई डू नॉट रियलाइज द प्रेजेंस ऑफ गॉड। गांधी जी सहित सभी बड़े नेताओं के जेल जाने के बावजूद आंदोलन चलता रहा। गांधी जी ने इसी आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया। उनके अनुपम प्रयास से यह आंदोलन जोर पकड़ता गया और अंततः 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया और आज हम एक स्वतंत्र देश के नागरिक होकर गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। महात्मा गांधी का जीवन एक आदर्श जीवन है जो सत्य, अहिंसा और मानवता के लिए समर्पित था। आज उनकी 155वीं जयंती है और संपूर्ण विश्व उनको नमन कर रहा है। स्टोरी महात्मा गांधी एक संस्मरण नमन। आज गांधी जयंती के अवसर पर हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को। दर्शकों, आज गांधी जयंती के अवसर पर उनके जीवन एवं आदर्शों पर जानकारी देने के लिए हमने एक प्रतिष्ठित इतिहासकार को आमंत्रित किया है। आपको बताऊं कि आपने 25 वर्षों तक पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाया और साथ ही 10 वर्षों तक खुदा बख्श लाइब्रेरी के डायरेक्टर भी रहे। दर्शकों, आपको 2022 में मौलाना आज़ाद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपने बिहार के इतिहास पर और इतिहास से जुड़ी हुई कई किताबें भी लिखी हैं और साथ ही दर्शकों, आप लगातार भारत सरकार, राज्य सरकार और UGC को एक इतिहासकार के रूप में भी अपनी सेवाएं देते रहे हैं। तो आइए स्वागत करिए हमारे आज के विशेष अतिथि श्री इम्तियाज अहमद जी का। सर, अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम में। आपके साथ होना और आज के दिन पर होना मायने रखता है, इसलिए कि इतिहास को बहुत ही गंभीरता से और बहुत ही गहराई से आपने अध्ययन भी किया है और आपने किताबें भी लिखी हैं। शुरुआत में आपसे जानना चाहूँगी, महात्मा गांधी जी के जो दर्शन थे और उनके जो आदर्श थे, एक इतिहासकार की नज़र से कैसे देखते हैं और कैसे इसकी व्याख्या करेंगे? पहले तो हम भी आपकी तरह श्रद्धांजलि अर्पित करें ज़रूर सर बापू को। और आपने जो सवाल पूछा है उस पर अगर बात करें तो गांधी जी का दर्शन बहुत ही व्यापक है और उसमें लगभग सभी पहलू जो जीवन के हैं वो शामिल हो जाते हैं। उसमें धर्म भी है, नैतिकता भी है, राजनीति भी है, अर्थव्यवस्था भी है, सामाजिक सरोकार भी है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन अगर थोड़ा एक दो बिंदुओं पर हम लोग फोकस करें तो जो सबसे बुनियादी बात है, जो हम कह सकते हैं कि उनकी उनके विचारों का आधार है, वो है सत्य और अहिंसा। और गांधी जी का मानना था कि सत्य, राजनीतिक धर्म के संदर्भ में, कि सत्य वस्तुतः ईश्वर है और उस तक पहुंचने का जो रास्ता वही सत्याग्रह है। तो गांधी जी ने इस बात को एक ऐसे समय में जब ये विचार शायद अकल्पनीय था, इस बात को ही साबित करके दिखाया कि दुनिया में बड़ी से बड़ी क्रांति, बड़ा से बड़ा परिवर्तन शांति और अहिंसा के माध्यम से लाया जा सकता है। फिर उन्होंने हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाने के साथ हिंदुस्तान के नवनिर्माण की भी बात कही और इसमें उनका जो विचार था वो स्वराज उसकी बुनियाद थी, कि किताब भी बहुत मशहूर है हिंद स्वराज। और गांधी जी का मानना था कि स्वराज का मतलब ये है कि सत्ता सबों तक पहुँच सके। वो जो ब्रिटिश मॉडल था पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का, उससे बहुत संतुष्ट नहीं थे और उनका मानना था कि स्वराज तभी वास्तव में संभव होगा जब हर नागरिक को राजनीतिक निर्णय लेने में एक हिस्सेदारी प्राप्त हो, जब एक तरह से कलेक्टिव डिसीजन से, सामूहिक निर्णय से देश का शासन चलाया जाए। और उसी क्रम में उन्होंने आर्थिक बिंदुओं पर ग्राम स्वराज की बात कही, हर गांव अपने आप में आत्मनिर्भर और आत्म केंद्रित हो और उसके माध्यम से गांव के जो निवासी हैं उनका कल्याण हो, उद्धार हो। उसी सिलसिले में उन्होंने स्वदेशी की बात कही और स्वदेशी इसलिए बहुत महत्वपूर्ण था कि ब्रिटिश साम्राज्य का जो भारत पर नियंत्रण था उसकी एक बड़ी बुनियाद थी आर्थिक शोषण। बिल्कुल। और ब्रिटेन से तैयार किए हुए सामान भारत लाकर बेचे जाते थे, महंगे बेचे जाते थे। तो गांधी जी ने उस पर प्रहार करने के लिए, जो एक आर्थिक शोषण हो रहा था उस पर प्रहार करने के लिए स्वदेशी की बात कही और उसको उन्होंने अपने रचनात्मक कार्यक्रम में शामिल किया। चरखा को उन्होंने लोकप्रिय बनाया
और फिर सामाजिक सरोकार को अगर हम लोग देखें तो गांधी का मानना था कि किसी भी व्यक्ति के पास जो धन है वो उसका अपना नहीं बल्कि वो समाज का है, और वो व्यक्ति उसके लिए एक तरह से एक न्यासी है, एक ट्रस्टी है। तो जो धन उसकी आवश्यकता के लिए है उसके अलावा जो धन है, जो सरप्लस है, वो समाज के लिए है और उसे समाज को समर्पित करना चाहिए। तो इस तरह से आवश्यकता से अधिक धन संचय को भी उन्होंने गलत माना। और एक और जो बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने समाज में समरसता और समानता की बात कही। बिल्कुल, जो भी समाज में वर्ग थे वो लोग भी जो बिल्कुल हाशिए पर थे, गांधी जी ने उनको भी जो मुख्य धारा थी, जो मेन स्ट्रीम था, उसमें शामिल किया। और वो एक कथन जो उनका है बहुत मशहूर है कि उनकी नज़र में आज़ादी का वही हासिल होगा जब अंतिम पंक्ति में भी जो अंतिम व्यक्ति है उसकी आंख से आंसू पोछा जा सके। बहुत बड़ी बात आपने कही। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि सर कि आपने हर उस पक्ष के बारे में बताया, क्योंकि जब हम गांधी जी के दर्शन और उनके आदर्शों की बात करते हैं तो आपने कहा कि उसमें बड़ी व्यापकता थी और हर पक्ष को उन्होंने देखा और आपने उसे संक्षिप्त रूप में हमारे दर्शकों के लिए बताया भी। अगर हम बात करें गांधी जी के सपनों के भारत की दर्शकों, तो उन्होंने एक विकसित भारत के बारे में स्वप्न देखा था और हम धीरे धीरे उस ओर अग्रसर भी हैं, पर हम विकसित भारत की कल्पना को तब साकार कर सकते हैं जब हमारी जो यह जनता है वो स्वस्थ रहे। जी हाँ, मैं बिल्कुल बात कर रही हूँ आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि स्वास्थ्य को अच्छा रखने में बड़ी भूमिका निभाता है योग। और फिलहाल वक्त है आपको दिखाने का हमारा योग बिहान सेगमेंट, आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं दिव्या आपका स्वागत करती हूँ बिहार बिहान कार्यक्रम में। हम सब जानते हैं कि योग हमारे शरीर के लिए कितना ज़रूरी है। योग जहाँ हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, वहीं मानसिक रूप से और भावनात्मक रूप से हमें मजबूती देता है। लेकिन हमारे पास समय कहाँ है योग करने का, क्योंकि हम समझते हैं कि योग 1 से 2 घंटा जब तक बैठेंगे नहीं तब तक नहीं कर पाएंगे। तो हम आपके लिए लेकर आए हैं योग कैप्सूल। ये आपके शरीर को स्वस्थ के साथ साथ मानसिक रूप से आपको स्वस्थ रखता है। ये आप कभी भी किसी भी समय आप कर सकते हैं। तो आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ओम चैंटिंग से। तो सबसे पहले हम सीधा बैठ जाएंगे किसी भी ध्यानात्मक आश्रम आसन में। सुखासन में बैठ सकते हैं या अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं। दोनों हाथ घुटने पर, ज्ञान या चिन्ह मुद्रा, अपने अंगूठा और अपने इंडेक्स फिंगर को आप मिला लेंगे और शरीर बिल्कुल सीधा। जेंटली अपने आंखों को बंद करेंगे और हल्की सी स्माइल आपके चेहरे पर। धीरे से इनहेल करेंगे एंड एक्सेल। फील करेंगे जो ये ठंडी वायु हमारे नासिका छिद्रों से अंदर की ओर जा रही है, पूरा पॉजिटिवनेस जो इस वायुमंडल में है हमारे अंदर प्रवाहित हो रही है। महसूस करेंगे, धीरे से सांस को अंदर लेंगे। हमारे अंदर में जो निगेटिव ऊर्जा है, नकारात्मक ऊर्जा है, और उसको खाली करेंगे धीरे से। अब हम करेंगे ओम चैंटिंग। 3 बार हम ओम चैंटिंग करेंगे। अपने अंदर में हो रहे वाइब्रेशन को महसूस करेंगे, इस प्यूरिटी को अपने अंदर में महसूस करेंगे, इस शांति को अपने अंदर में महसूस करेंगे। ओम शब्द 3 शब्दों से मिलकर बना है, अ उ म। इसे हमें मानसिक रूप से शांति का अनुभव होता है। धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार। ये हम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। जब आप ऑफिस से थके हो तब कर सकते हैं, बच्चे पढ़ने से पहले कर सकते हैं, सोने से पहले आप कर सकते हैं, सुबह उठकर भी आप कर सकते हैं।
स्त्रियां सुबह में कर सकती हैं, शाम में कर सकती हैं, जब भी मानसिक रूप से आप परेशान हो तो अपनी सांसों पे आप ध्यान दें और ओम का चयन करें। धन्यवाद। दर्शकों, आपने देखा योग बिहान, इन छोटे छोटे आसनों को अगर हम अपने जीवन में शामिल करते हैं ना, तो हम बनते हैं एक तेजी से विकसित होते हुए देश भारतवर्ष के स्वस्थ नागरिक। आपको बताते चलूं कि आज कार्यक्रम में हम बातचीत कर रहे हैं महात्मा गांधी के जीवन और आदर्शों पर, और हमारे साथ हैं प्रतिष्ठित इतिहासकार श्री इम्तियाज़ अहमद सर। सर, अगर जब भी हम बापू के कार्यों को देखते हैं, उनके विचारों को पढ़ते हैं, तो महसूस होता है कि उस दौर में उन्होंने जो सोचा वो आज भी बड़े प्रासंगिक है। आज हम सत्य की तलाश कर रहे हैं, हम शांति की तलाश कर रहे हैं, हम स्त्री स्वावलंबन की बात करते हैं, और ये सारी बातें उन्होंने उस वक्त उस दौर में भी सोचा था और कहा था, प्रयास भी किया था। आपसे जानना चाहूँगी कि आज के दौर में महात्मा गांधी के विचार कितने प्रासंगिक हैं और हम उससे क्या सीख ले सकते हैं। कि गांधी के विचार तो ऐसे हैं कि जिनकी प्रासंगिकता हमेशा बनी रहेगी। बिल्कुल सर, आज के ही संदर्भ में आप देखें दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें जो गांधी जी के विचार में थी, एक तो शांति और अहिंसा और दूसरा था सस्टेनेबल डेवलपमेंट। उन्होंने कहा था कि पृथ्वी के पास सबों की ज़रूरत के लिए संसाधन है, लेकिन लोभ के लिए संसाधन नहीं है। और ये बात जो आज हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर कहते हैं कि हम विकास करें, लेकिन इस तौर पर विकास करें कि आने वाली नस्लों का जो हिस्सा है इन प्राकृतिक संसाधनों में वो उनको मिले, तो ये बहुत बड़ा कंसर्न है सारी दुनिया में, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात है। और जहाँ तक शांति और अहिंसा की बात है, तो जाहिर है कि विकास तभी हो सकता है जब शांति हो, और विकास इस रूप में होना चाहिए कि उसका लाभ एक नहीं बल्कि आने वाली अनेक पीढ़ियों तक मिलता रहे, तो ये एक रेलेवेंस है जो हमेशा रहेगा। दूसरी बात यह है कि अभी स्वास्थ्य की चर्चा हो रही थी, गांधी जी ने जो रचनात्मक कार्यक्रम अपनाया, और उसकी शुरुआत इंसिडेंटली बिहार से ही होती है, चंपारण से होती है, जहाँ वो स्कूल स्थापित करते हैं, स्वास्थ्य केंद्र स्थापित करते हैं, और वहाँ के जो लोग थे जो बिल्कुल गरीबी में और बहुत ही बदहाली में जी रहे थे, उनको शिक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उन्होंने सचेत किया। तो ये भी एक ऐसी चीज़ है जिसकी बहुत आवश्यकता है, आज के समाज में भी है। ये ज़रूर है कि गांधी जी के समय का जो भारत था और आज का जो भारत है, बहुत फर्क आ चुका है। आज हम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में अपना एक प्रतिष्ठित स्थान रखते हैं। आज़ादी के बाद जो कई दशक बीते हैं उनमें हम आत्मनिर्भर बने हैं, हम आज विश्व की बहुत ही समृद्ध अर्थव्यवस्थाओं में एक हैं, और हमारी बात अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक महत्व रखती है। तो ये कुछ ऐसी बातें थीं जो गांधी ने शायद एक समृद्ध भारत के बारे में, एक महान भारत के बारे में, उसके भविष्य के बारे में सोची थी। तो वो बातें हैं और उनका सपना बहुत हद तक साकार हुआ है। जी जी जी। और आपने कहा कि जो महात्मा गांधी के विचार थे, जाहिर तौर पर वो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हम उनके जो कहे गए कथन हैं या जो उनका दिखाया गया रास्ता है, उस पर अमल करें और उसे अपने जीवन में शामिल भी करें। आपने ज़िक्र किया जो हमारा देश है उसकी प्रगति का, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो मुकाम आज हमने हासिल किया है उसके बारे में जिक्र किया। जब हम महात्मा गांधी के विचारों को देखते हैं ना, तो विश्व पटल पर उनकी अमिट छाप है। आज भी पूरा विश्व उनके आदर्शों को, उनके विचारों की ओर देखता है। तो विश्व पटल पर गांधी, इसे कैसे परिभाषित करेंगे और क्या बताना चाहेंगे? एक तो ये है कि गांधी ने जो पहली सत्याग्रह की वो भारत से बाहर थी, दक्षिण अफ्रीका में थी, तो वैश्विक स्तर पर गांधी ने अपनी मौजूदगी बहुत पहले ही दर्ज करा दी थी, भारत आने से पहले ही। और जो उनका संदेश था जिस पर हम अभी बात कर रहे थे, वो ऐसा है कि उसका हर देश में और हर समाज में एक ही तरह से स्वागत होगा, क्योंकि सभी का जो कल्याण है वो उसी में निहित है, शांति में और सामाजिक समरसता में और ऐसे आर्थिक विकास में जिसमें समाज के हर वर्ग को विकास का लाभ पहुँच सके। और जो हम पहले भी आपसे कह रहे थे कि गांधी जी की कल्पना थी ग्राम स्वराज की, और नई अर्थव्यवस्था का आधार उन्होंने वही माना था। लेकिन ये कि वो एक आदर्श था, अव्यवहारिक तो नहीं था मगर एक आदर्श था, और जो परिस्थितियां थी उनमें वो उस समय या आज भी उस रूप में शायद अपनाया नहीं जा सके जो उनका विचार था।
लेकिन ये कि वो एक आदर्श था और उस आदर्श के प्रति बहुत उनकी एक प्रतिबद्धता थी, और आज भी हम लोग इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि ग्रामीण स्तर पर लोगों के जीवन को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके। तो अगर एक तरफ हम लोगों ने आर्थिक प्रगति का रास्ता आधुनिक ढंग से जो औद्योगिक व्यवस्था है, इंडस्ट्रियलाइजेशन है, उसके माध्यम से अपनाया है, तो साथ ही साथ हम लोगों ने स्वदेशी के स्तर पर और ग्रामीण विकास के स्तर पर भी प्रगति की है। अब इन दोनों के बीच में संतुलन बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, और हम समझते हैं कि जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे, अनुभव आएगा, तो शायद एक संतुलन दोनों के बीच बनाने में हम सफल हो सकें। जी जी, आपने बड़ी अच्छी व्याख्या की और बताया कि किस तरह से उन्होंने जो विचार उस दौर पर दिया और आज की प्रगति के दौर पर हमें ज़रूरत है कि हम संतुलन किस तरह से कायम रख सकें, हम सस्टेनेबिलिटी की तरफ भी बात करें और साथ ही हम औद्योगिक विकास, तकनीकी विकास को भी साथ लेकर चले, क्योंकि हम रुक नहीं सकते, आगे बढ़ना भी ज़रूरी है, पर उन आदर्शों को एक बैलेंस्ड तरीके से लेकर चलने की भी बड़ी आवश्यकता है। आपने जिक्र किया बिहार के बारे में भी, क्योंकि गांधी जी का बड़ा गहरा रिश्ता रहा है हमारे बिहार प्रांत से, थोड़ा प्रकाश इस क्षेत्र में भी ज़रूर डालें। कि भारत में गांधी जी को जो पहचान मिली वो बिहार में चंपारण सत्याग्रह के बाद ही मिली, और एक इतिहासकार ने लिखा है कि चंपारण ने गांधी को महात्मा गांधी बना दिया। तो ये कि भारत में उस समय जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसमें बहुत सारे नेतागण थे, लेकिन चंपारण के बाद गांधी ही सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर गए। और ये ज़रूर है कि जो रचनात्मक कार्यक्रम की बात हमने आपसे कही, ये और भी कई विचार जो गांधी के हैं उनके विकास में बिहार का एक महत्वपूर्ण संबंध रहा है। अगर आप देखें शांति की बात, अहिंसा की बात, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया को सबसे पहले शांति और अहिंसा का संदेश इसी बिहार से गया जी। तो उनके विचारों में भी और उनके जो व्यवहारिक उनका जीवन था उसमें भी बिहार की भूमिका है। इस पर विस्तार से चर्चा हो सकती है, लेकिन शायद समय इतना नहीं है। मैं ये ज़रूर हम लोग कहेंगे कि गांधी को राजनीतिक पहचान और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख नेता के रूप में बिहार ने ही स्थापित किया था। जी जी, और सर मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस छोटी सी समयावधि में आपने हर उन मुख्य बिंदुओं पर बातचीत की जो आज गांधी जयंती के अवसर पर हम सभी के लिए जानना ज़रूरी है, और तब हम उनके जीवन से, उनके आदर्शों से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और सीखने की आवश्यकता है, क्योंकि जो देश के लिए सपना देखा था उन्होंने, उसे आगे ले जाने की बारी हमारी है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए, धन्यवाद आपका। दर्शकों, गांधी जी का जो पर्यावरण के प्रति दृष्टिकोण था वो भी बड़ा ही व्यापक था। उनका मानना था कि जो ये पृथ्वी, जल, भूमि, वायु हमें मिली है वो दरअसल हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी ज़रूरी है, और हमें ये करना है कि जिस तरीके से, जिस तरह से वो हमें मिली है, उसे उसी तरीके से अपनी आने वाली पीढ़ी को सौंपना है, और तब ये दायित्व हमारे ऊपर आ जाता है कि ये जो पर्यावरण है उसे हम जरूर संरक्षित करें। आइए आपको दिखाते हैं एक सॉफ्ट स्टोरी पर्यावरण संरक्षण पर, पर्यावरण संरक्षण, आइए देखते हैं। पर्यावरण शब्द परि प्लस आवरण के संयोग से बना है। यहाँ आवरण का अर्थ हमारे चारों ओर विद्यमान प्रकृति प्रदत्त जल, भूमि, हवा, पेड़ पौधे, जीव जंतु और वातावरण से है, जो प्रत्येक प्राणी मात्र के जीवन के लिए अति आवश्यक है। विज्ञान के क्षेत्र में असीमित प्रगति तथा नए आविष्कारों की स्पर्धा में आज हम प्रकृति पर पूर्णतया विजय प्राप्त करना चाहते हैं। इस कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ गया है। धरती पर जनसंख्या की निरंतर वृद्धि, औद्योगीकरण एवं शहरीकरण की तीव्र गति से प्रकृति के हरे भरे क्षेत्रों को समाप्त किया जा रहा है। जल को प्रदूषित किया जा रहा है। हवा में ग्रीन गैसों के अत्यधिक उत्सर्जन के कारण वह प्रदूषित हो गई है। बड़े कारखानों से विषैला अपशिष्ट बाहर निकलने से तथा प्लास्टिक के अत्यधिक उपयोग के कचरे से प्रदूषण की मात्रा उत्तरोत्तर बढ़ रही है। पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी दुष्प्रभाव हैं, जैसे वायुमंडल का तापमान बढ़ना,
ओजोन परत की हानि, मिट्टी का क्षरण, कहीं अत्यधिक वर्षा हो रही है तो कहीं सुखार। हमारे ग्लेशियर, जिसका पृथ्वी के तापमान को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, आज पिघल रहे हैं एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्राकृतिक परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। अपने पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए हमें सबसे पहले अपनी मुख्य ज़रूरत जल को प्रदूषण से बचाना होगा। गंदा निष्कासित पानी समीपस्थ नदियों और समुद्रों में गिरने से रोकना होगा। जल प्रदूषण के साथ ही वायु प्रदूषण भी मानव के सम्मुख एक चुनौती है। बड़े बड़े कल कारखानों की चिमनियों से लगातार उठने वाला धुआं, रेल व नाना प्रकार के डीजल व पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के पाइपों और इंजनों से निकलने वाली गैसें तथा धुआं, एसी, इन्वर्टर, जनरेटर आदि से कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड प्रति क्षण वायुमंडल में खुलते रहते हैं। अब हाल यह है कि महानगरों में नहीं बल्कि गांवों तक में लोग ध्वनि विस्तारकों का उपयोग करने लगे हैं। वहीं मोटरसाइकिल व वाहनों की आवाज़, औद्योगिक संस्थानों की मशीनों के कोलाहल ने ध्वनि प्रदूषण को जन्म दिया है। इससे मानव की श्रवण शक्ति का ह्रास हो रहा है। जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि तीनों ही हमारे व हमारे फूल जैसे बच्चों के स्वास्थ्य को चौपट कर रहे हैं। प्रदूषण को रोकने के लिए वायुमंडल को साफ सुथरा रखना परम आवश्यक है। इसके लिए जनता को जागरूक करना चाहिए। बस्ती व नगर के समस्त वर्जित पदार्थों के निष्पादन के लिए सुदूर स्थान पर समुचित व्यवस्था की जानी चाहिए। जो औद्योगिक प्रतिष्ठान शहरों तथा घनी आबादी के बीच में हैं, उन्हें नगरों से दूरस्थ स्थानांतरित करने का पूरा प्रबंध करना चाहिए। घरों से निकलने वाले दूषित जल को साफ करने के लिए बड़े बड़े प्लांट लगाने चाहिए। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए। वन संरक्षण को सर्वाधिक प्राथमिकता देनी चाहिए। हमें उर्वरक और कीटनाशक पर निर्भरता को कम करना पड़ेगा। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति अपने आसपास गमले में छोटे छोटे पौधे लगा सकते हैं। उपयुक्त सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए अगर हम थोड़ा सा भी उचित दिशा में प्रयास करें तो बचा सकते हैं अपना पर्यावरण। और दर्शकों, पर्यावरण संरक्षण हम सभी के लिए एक बड़ी चुनौती, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे आज के दूसरे मेहमान जो पर्यावरणविद हैं। आपको बताऊं कि आप एक सेवानिवृत्त बैंक अधिकारी हैं और 50 वर्षों से भी अधिक समय से पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय रहे हैं। आपने पर्यावरण पर कई किताबें भी लिखी हैं और साथ ही इन्हें जिला, राज्य, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई सम्मान और पुरस्कार भी दिए गए हैं। हमारे साथ हैं प्रकृति पुत्र श्री वशिष्ठ राय वशिष्ठ जी। आइए स्वागत करिए हमारे आज के मेहमान का, सर बेहद अभिनंदन स्वागत कार्यक्रम में। सबसे पहले तो आज बापू और शास्त्री जी के प्रति सत सत नमन है जी। पर्यावरण संरक्षण एक अभियान की ओर से दूरदर्शन के सभी दर्शकों और श्रोताओं का हरी तक अभिनंदन जी। बहुत अच्छी बात आपने कही और मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने कहा हरित अभिनंदन, और इसकी ज़रूरत है मानव जाति को जी। जब मैं बात करूंगी, चूँकि आज गांधी जयंती पर हम विशेष बातचीत कर रहे हैं, तो गांधी जी का जो दृष्टिकोण था पर्यावरण के प्रति बहुत व्यापक था, और उन्होंने कहा था गांव की ओर लौटो, और शायद अगर अर्थपूर्ण दृष्टिकोण से देखें तो ये उनका प्रकृति के प्रति प्यार था। उनका जो दृष्टिकोण था, उनकी जो सोच थी पर्यावरण के प्रति, उसके बारे में हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? ये जो गांधी जी का सपना था परतधीन भारत में जी। वो दो सपना अति महत्वपूर्ण था। एक तो था कि गुलामी की जंजीरों को तोड़ के हम बाहर आ जाए, और दूसरा था स्वच्छ भारत का, स्वतंत्र भारत और स्वच्छ भारत। स्वतंत्रता तो हमें 1947 में प्राप्त हो गई,
लेकिन स्वच्छ भारत का सपना, गांधी जी के उस स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए अभी भी हम जद्दोजहद में लगे हैं। उनका मानना था कि देश का हर नागरिक स्वयं में सफाई कर्मी होना चाहिए, हम दूसरे पर सफाई के लिए निर्भर न रहें, और तभी हमारे जो मूल स्वच्छ भारत का जो स्वरूप है वो प्राप्त हो पाएगा। सत्यम शिवम सुंदरम जो शब्द हमारे बीच रहा है, हमने उसको आधार मान करके बनाया है कि स्वच्छम स्वस्थम सुंदरम। स्वच्छ वही स्वस्थता है और वही सुंदर है, जो स्वच्छ है वही स्वस्थ है और जो स्वस्थ है वही सुंदर है। पर्यावरण और स्वच्छता का वो एक गहरा संबंध है। बिना पर्यावरण, ये पर्यावरण जो है, पर्यावरण की आत्मा अगर कहीं वास करती है तो वो स्वच्छता में। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बिना स्वच्छता के हम शुद्ध पर्यावरण की परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और स्वच्छ और सुंदर का जो स्वरूप है वही प्रकृति का मूल मंत्र है। गांधी जी ने कहा भी था कि खास करके अब फिर का जब 1913 में ये बात उठी तो उन्होंने कहा था कि प्राकृतिक संसाधन पृथ्वी के पास, जल के पास, वायु के पास, मनुष्य को देने के लिए सब कुछ है। मानव का जो सामान्य रूप से जितनी भी आवश्यकता है उसकी पूर्ति प्रकृति से हो जाती है, लेकिन मानव का जो लालच का जो भाव है वो प्रकृति नहीं पूरा करेगा। तो आज प्रकृति का जो दोहन हो रहा है, पर्यावरण मतलब अपने आप को असहज महसूस कर रही है और प्रदूषण उस पर हावी हो रहा है, इसके पीछे मानव का लालचीपन ज़्यादा जिम्मेवार है। विकास के नाम पर, गतिशीलता के नाम पर, आधुनिकीकरण के नाम पर हम प्रकृति को बहुत ही सताते हैं, पर्यावरण को बहुत ही दुत्कारते हैं और प्रदूषण से दोस्ती बढ़ा देते हैं। इसका परिणाम है कि आप आज देखिए कि जो बात 1947 से पहले गांधी जी ने कही थी, हाँ तो हाथ आ रहा है। तकनीकी आधुनिकीकरण के अंधाधुन प्रचलन के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन का असर, कभी बाढ़, कभी सुखाड़, कभी इस बार तो आपने देखा कि 48 डिग्री और 50 डिग्री टेम्परेचर, और उस टेम्परेचर में कैसे एसी के यंत्र फट जाया करते थे। अगर हम अभी भी सतर्क नहीं हुए, गांधी जी को के सपने को हम साकार करने में सफल नहीं हुए, उसको आत्म मंथन के दृष्टिकोण से अपने में समाहित करने में अगर सफल नहीं हुआ तो आने वाला कल बहुत ही दुरा होगा। हाँ, पर्यावरण हमसे ये सवाल करता है कि अगर आप अपने जीवन को इस धरा पर बनाना चाहते हो तो ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे साथ हैं श्री वशिष्ठ राय वशिष्ठ जी, जो पर्यावरण विद हैं। आइए ढूंढते हैं इस सवाल का जवाब। आपने अपने पहले सवाल, मेरे पहले सवाल के जवाब में कहा था कि आधुनिकता जो बढ़ रही है, तकनीक जो बढ़ रहा है, उसके साथ कहीं ना कहीं हम पर्यावरण पर को नुकसान भी पहुंचा रहे हैं। गांधी जी ने भी कहा था कि पश्चिमी देशों का अनुसरण हम यूं ही ना करें, और कहीं ना कहीं वो संदेश था हम सभी के लिए। अब बात कुछ यूं है कि हमें तरक्की तो करनी है, वहाँ आधुनिकता और तकनीक आ जाती है, पर हमें अपने पर्यावरण को बचाना है ताकि आने वाली पीढ़ी को हम उसे उसी स्वरूप में दे तो सकें। कैसे करें हम ये, और क्या सुझाव देंगे? इसको हम इस तरह से देखते हैं जी कि आज का जो समय है उसमें हमें गतिशीलता के साथ चलना होगा। तो जो भी विकास हो, शहरीकरण हो, रोड है, सड़क है, बिजली है, रेल है, तो हमको उसे इको फ्रेंडली बना के चलना पड़ेगा। इको फ्रेंडली का मतलब हुआ कि आप विकास भी करें और प्रकृति और पर्यावरण को साथ भी रखें। अगर आप विकास के लिए अगर एक पेड़ काटते हैं तो कम से कम 5 पेड़ का व्यवस्था आप कर दीजिए,
तो भी ये विकास जो है, सस्टेनेबल विकास जिसकी बात हो रही है और प्रकृति की सुरक्षा की भी बात होती है, तो एट ए पैरेलल समानांतर विकास और पर्यावरण, अगर पर्यावरण को आप नकारेंगे तो आप विकास नहीं करेंगे, विनाश की ओर जाएंगे। इसलिए गांधी जी का भी सपना था कि अगर आप कुछ हद तक पश्चिम देशों के रास्ते पर चलना चाहते हैं कि आने वाले समय में ये सब होगा, तो आप विकास को इको फ्रेंडली बनाइए, पर्यावरण को प्रकृति को ध्यान में रख के ही विकास संभव है। अगर आप प्रकृति और पर्यावरण को नकार देंगे तो वो विनाश की ओर हमें ले जाएगा। जी जी, बड़ी बात कही आपने। इसके साथ ही जो समस्याएं हैं वो हमें दिख रही हैं और प्रयास हमें करना है, ये हम जानते भी हैं, पर हमसे चूक अभी भी हो रही है, वहाँ ध्यान देने की ये ज़रूरत है। और आपसे भी ये ज़रूर चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को बताएं कि हमें करना क्या चाहिए और किस तरह के सहयोग की ज़रूरत है, ताकि जो कदम सरकार उठा रही है या जो कदम आपके जैसे पर्यावरणविद उठा रहे हैं उसमें गति मिल सके। जी बिल्कुल, सरकार तो अपने स्तर से कर ही रही है, लेकिन सिर्फ सरकार के करने से ये संभव नहीं है। देश के जितने भी नागरिक हैं सबके मन में सबसे पहले तो हरियाली को पनपाना होगा, मन में हरियाली होनी चाहिए, फिर हम वातावरण में हरियाली लाएंगे। और हरियाली ही एक ऐसा चीज़ है जो पर्यावरण के विभिन्न अंगों, जल थल नभ कहीं भी वो हमें सुरक्षित रखता है। हरियाली पेड़ के बिना हो नहीं सकता है, और पेड़ में ही वो जल का भी आपका संरक्षण, और कभी कभी देखते हो कि अनावृष्टि का स्थिति होता है तो हम अधिक से अधिक अगर हम पेड़ लगा देते हैं तो वायु की शुद्धता का भी ध्यान हो जाता है, जल के संरक्षण का भी ध्यान हो जाता है, मृदा संरक्षण जो कहते हैं धरती का जो क्षरण होता है उसका ध्यान हो जाता है, ध्वनि प्रदूषण जो होता है उसको भी वो पेड़ पौधे सोख लिया करते हैं, सोखने का काम करते हैं। तो इस तरह से अगर हरियाली हमला में अपने जेहन में बसावे, अपने धरती के भूभाग के 33.33% पर ये मानक है, संतुलित पर्यावरण के लिए ये मानक है कि अपने जो भूभाग है उसका 33% भाग पर पौधारोपण वन आच्छादन होगा तो हमारी प्रकृति और पर्यावरण मेरा संतुलित रहेगा। आज के डेट में राष्ट्रीय स्तर पर कितना 22-23% है बिहार में, और उससे भी कम है। तो ये पेड़ लग रहा है सरकारी स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर सब लोग लगा रहे हैं, लेकिन आखिर कम क्यों रहा है? कम इसलिए रहा है कि एक पेड़ हम अगर लगाते हैं इधर सैकड़ों पेड़ हम काटते जाते हैं। तो हमें अगर पेड़ को काटना है, विकास को गति देना है, तो हमें एक पेड़ के जगह पर 5-10 पेड़ की व्यवस्था करनी होगी। जी जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि अगर हम विकास के लिए पर्यावरण को क्षति पहुंचा रहे हैं तो क्षतिपूर्ति को करने की जिम्मेदारी भी हमारी होगी। साथ ही आज चूंकि गांधी जयंती पर हम विशेष बातचीत कर रहे हैं, तो स्वच्छता और पर्यावरण का जो संबंध आपने भी बताया और जग जाहिर भी है, तो वहाँ क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, स्वच्छता के लिए हमको अपने आप में सफाईकर्मी होना होगा, और वो प्रक्रिया हम दूसरे पर निर्भर रह के नहीं कर सकते हैं। गांधी जी का कहना था, और हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं कि जगह जगह हम क्या करते हैं कि मलमूत्र का प्रयोग कर देते हैं, थूक देते हैं, तो जानते हैं कि अपने थूक में जो है सो कीटाणु किस तरह के होते हैं और वो गंदगी वातावरण में फैलाते हैं। तो हमें सफाई पर ध्यान देना चाहिए, यत्र तत्र कहीं भी जो है मलमूत्र का त्याग नहीं करना चाहिए, कूड़ा कचरा जो होता है उसको खुले स्थान में नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि वो जो सड़ता है उसके सरांध से मीथेन गैस, जहरीले कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से पनपते हैं और उसका प्रसार वायुमंडल में होता है, फिर वो हमारा ऑक्सीजन को प्रभावित करता है, हम वो सांस लेते हैं और बीमार से ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए सफाई के मामले में कूड़ा कचरा को एक जगह जो बनाया जाता है हम वहाँ उसका इस्तेमाल करें, वहाँ उसका प्रयोग करें, यत्र तत्र मलमूत्र त्याग न करें। और थूकने की बात है जो हम लोग करते हैं जैसे तैसे खैनी खा करके, कुछ इस तरह के लोग देहात में आप अगर चलेंगे गांव की ओर, गांधी जी ने कहा था कि गांव की ओर चलो, गांव में अक्सर लोग खैनी का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो थूकन की प्रक्रिया होती है वो कितना हानिकारक होता है वो उसको समझते नहीं है। और इसके साथ ही ये भी जोड़ना जरूर चाहूंगी आपकी बातचीत में कि ऐसे दुर्व्यसन का प्रयोग ही ना करें, वो ज्यादा बेहतर है। नशा मुक्ति, और हाँ, और उनका एक अंग था। जी जी जी, और वो कहा गांधी जी ने, वो कहा भी, और
कहीं ना कहीं अगर इस तरह के दुर्व्यसनों से हम दूर रहते हैं और जो आपने सुझाव हमारे दर्शकों को दिए उसका प्रयोग करते हैं तो धीरे धीरे हम अपने आसपास का जो वातावरण है उसे स्वच्छ भी रख पाएंगे। आप पेड़ों के संरक्षण पर बहुत काम कर रहे हैं, थोड़ी जानकारी चाहूँगे। जी जी जी, पेड़ के संरक्षण की बात जो है मैडम, हम उसमें क्या देखते हैं, उसमें देखते हैं कि मूले ब्रह्मा अधः विष्णु शाखा नाम शंकरमेव च पत्ते पत्ते देवानाम वृक्षराज नमस्तुते। क्या बात कही है, और आपकी एक पंक्ति मैं कहूँगी वशिष्ठ जी काफ़ी है हम ये समझाने के लिए कि पेड़ हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, कितने पूजनीय हैं, हम उनका संरक्षण जरूर करें। और इसके साथ ही सर आपको धन्यवाद देना चाहूँगी आज कार्यक्रम में शामिल होकर इतनी महत्वपूर्ण बातें करने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, नमस्कार। और दर्शकों, आज हमने गांधी जयंती के अवसर पर उनके आदर्शों और विचारों को जाना और साथ ही स्वच्छता और पर्यावरण के प्रति जो उनकी सोच थी उसके बारे में भी बातें की। मैं आपसे कहूंगी रघुपति राघव राजा राम पति तपावन सीता राम ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मति दे भगवान, गांधी जी का ये प्रिय भजन। और इस भजन के साथ आपसे गुजारिश ये कि हम उनके प्रति अपनी सच्ची कृतज्ञता तभी प्रकट कर सकते हैं जब हम हर संभव कोशिश करें कि गांधी जी के आदर्शों पर हम ज़रूर चलें। आपसे गुजारिश करूंगी कि कैसा लगता है आपको हमारा ये कार्यक्रम, इसके लिए हमें ईमेल भेजें और हमें ख़त लिखें। नोट करें हमारा पता, हमारा पता है कार्यक्रम बिहार बिहान दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना 800001। हमारा ईमेल आईडी है director@dedk.patna@gmail.com।